हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी स्टोरी टेलर हिमानी और आज मैं करने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल जी का मेकओवर। आई होप इस वीडियो को देखकर आपको भी प्रेरणा मिले, आपको भी कुछ सीखने को मिले और आप भी घर पे अपने लड्डू गोपाल जी का मेकओवर कर सके। वैसे आजकल बाजार में जो लड्डू गोपाल जी की प्रतिमाएं मिल रही है वो ऑलरेडी पेंटेड होती है, लेकिन बहुत से लोगों के पास मेरे जैसे लड्डू गोपाल जी होंगे जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई पेंट नहीं किया हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लड्डू गोपाल जी का मेकओवर कैसे कर सकते हैं। तो उनके मेकओवर के लिए लिए हैं मैंने एक्रेलिक कलर्स, जो कि फैब्रिक कलर्स भी कहा जाता है इन्हें। तो ये जो कलर्स हैं वो इजीली नहीं उतरते हैं, यानी कि आप जब इन्हें नहलाएंगे, जब आप इनको स्नान करवाएंगे डेली, तो ये कलर्स नहीं उतरेंगे, ये इसी तरीके से रहेंगे जैसे कि मैं आज पेंट करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी जो है मेरे बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, जीरो साइज के हैं, तो इसीलिए मैंने ब्रश भी जीरो साइज का ही लिया है। बहुत ही महीन और बहुत ही पतला साइज का ब्रश है जिससे कि मैं आसानी से अपने लड्डू गोपाल जी को पेंट कर सकती हूँ। पेंट करने से पहले आप जो है इनकी आईज जो हम स्टिक करके लगाते हैं इन पे, वो आप उतार दीजिए, बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। और एक बात और, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को क्योंकि ये पीतल के हैं तो आप पीताम्बरी भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास पीताम्बरी नहीं थी तो मैंने घर पर ही नींबू काटा और उसपे नमक लगाकर इसको क्लीन किया है, तो ये बहुत चमक गए हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पेंट करना। तो मैं पहले इनकी आईज पे कलर कर रही हूँ व्हाइट कलर। और आप देख लें कि आईज जो हैं वो बराबर हो बिल्कुल। तो देखिए, मैंने इनकी आईज पे जो है वाइट कलर पेंट कर दिया है, देख सकते हैं। अब मैं अभी इनकी आईज जो हैं आईलिड बनाने के लिए पहले मैं इनको इस वाइट कलर को सूखने देती हूँ, उसके बाद मैं जो हूँ ब्लैक कलर प्यूपिल्स बनाऊंगी इनके। पानी से मैं इसको धो रही हूँ और किसी कपड़े की मदद से आप ब्रश को पोंछ लीजिए जिससे कि वो दूसरा कलर इसमें मिक्स ना हो। तो अब जो है मैं इनकी आईब्रोज बनाने वाली हूँ और आईब्रोज के लिए मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर। आईब्रोज बहुत ही पतली है तो बहुत ही केयरफुली आपको बनाना होगा। कलर गीला है तो जहां से अगर थोड़ा फैल भी गया है तो आप अपने हाथों से थोड़ा सा उसको क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है आईब्रोज बन चुकी है। अब जो है इन पे टीका बना देती हूँ मैं, एक इनका येलो कलर से। मैंने एक छोटा सा इसमें टीका इनका बना दिया है, इस पे मैं रेड कलर का छोटी सी बिंदी और लगा देती हूँ, छोटी सी इनकी बिंदियां बन गई। अब मैं इनके इसी रेड कलर से इनके लिप्स पे मैं पेंट कर दूंगी। आपके पास अगर थोड़े बड़े साइज के लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पेंट कर सकते हैं। आप आईज के ऊपर जो है ब्लू कलर दे सकते हैं। मैं कोशिश करके देखूंगी बट मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी इनकी आई शेडो जो है ब्लू शेड में दे पाऊंगी या नहीं, लेट्स सी। तो जो है मेरे पास तो छोटे से ही हैं, मेरी मदर जो लेकर आई थी बहुत साल पहले, छोटे से ही हैं। ये देखिए, पहले आप देखिए जैसे मेरे लड्डू गोपाल जी थे और अब देखिए कितना चेंज लग रहा है, मतलब कितने सुंदर से लग रहे हैं। मतलब जब मैं इनको पूरा ड्रेसअप इनका करूंगी तो बहुत क्यूट लगेंगे।
अब देखिए कितना फर्क आ गया एकदम से, मैंने इस पे इनके लिप्स जो हैं वो रेड कर दिए हैं, तो कितना एकदम फर्क आ गया है देख सकते हैं आप, कितने प्यारे लग रहे हैं। क्लीन हो गया मेरा, फैल गया था हल्का सा, क्लीन हो गया पेंट। अब मैं इनके प्यूपिल्स बना दूंगी। पहले मैं अपना ब्रश जो है, कैमरे में नहीं दिख रहा है बट मैं एक मैंने कपड़ा लिया हुआ है उसे मैं क्लीन पहले पानी से क्लीन करके उसे पोंछ रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी कलर जो है वो मिक्स हो जाए उसमें। अब ब्लैक कलर मैं ओपन कर लेती हूँ, पहले मैं ये सब बंद कर देती हूँ। थोड़ा सा डिप करने के बाद ना इसकी शेप बनानी पड़ती है, क्योंकि ब्रश जो है वो एकदम खुल जाता है जैसे धो और पोछो तो एकदम से, तो इसलिए मैं इसकी थोड़ा सा शेप बना रही हूँ, थोड़ी सी पॉइंटेड निब बना रही हूँ जिससे कि मैं बहुत ही केयरफुली इनकी प्यूपिल्स बना सकूँ। बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे खुद से ही, मुझे नहीं पता आपको कैसे लग रहे हैं, लेकिन मैं मतलब पहली बार देख रही हूँ, मैं जो ऐसे मेकओवर कर रही हूँ, मैं पहली बार अपने लड्डू गोपाल जी को इस रूप में देख रही हूँ, तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरी मम्मी होती तो उनको बहुत खुशी होती अगर वो देखती इनको, तो बहुत क्यूट लग रहे हैं। बहुत ही ध्यान से कर रही हूँ कहीं वो फैल ना जाए, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटी सी स्पेस है। देखिए मैंने आईज बना ली है, मुझे लग रहा है कि जो मैं आईज जो चिपकाती थी वो बहुत बड़ी सी थी और उभरी सी हुई बाहर एकदम निकल के ऐसे आती थी, वो अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता है ये ज्यादा मतलब सुंदर लग रही है ये वाली आईज। ये देखिए मैंने इनके फेस का मेकओवर कर दिया है, प्यारे लग रहे हैं ना, हल्की सी पतली हो रही है। वैसे जब ये गीला होता है ना कलर, तो इसको हटा सकते हैं, इजीली हट जाता है ये कलर, ऐसा नहीं है कि आप हटा नहीं पाएंगे। सही लग रहा है, बेटर है। मुझे नहीं लगता कि मैं इनके ब्लू आई शेडो दे पाऊंगी, ट्राई करूं क्या? चलिए ट्राई करते हैं। ये मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, बट ये बहुत डार्क है तो मैं इसमें वाइट कलर मिक्स करूंगी, उसके लिए मेरे को पैलेट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे मैं कलर बना लेती हूँ। ये मेरे पास रखा हुआ था, मेरे पास ऐसा पैलेट नहीं है तो मैं यूजली ज्यादा पेंट नहीं करती हूँ, तो ये कलर जो है इसमें मैं वाइट कलर मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा ही लूंगी क्योंकि ज्यादा तो नहीं करना है मुझे, थोड़ा सा ही है पेंट। मैं वाइट कलर ले लेती हूँ इसमें, मुझे क्लीन करना होगा फिर से अपना ब्रश। मैं वाइट कलर ले रही हूँ इसमें, स्काई ब्लू कलर हो गया है फ्रेंड्स, देखिए आप देख सकते हैं। ये कलर लेना है आपको आई शेडो के लिए, लड्डू गोपाल जी की आई शेडो के लिए। तो अब मैं करने जा रही हूँ, अब मैं आई शेडो लगाने वाली हूँ, उसके लिए मेरे को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। थोड़ी सी शार्प बना लेती हूँ अपनी इसकी, मैंने कर दिया। ओह गॉड,
बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं सेकेंड आईज पे करने वाली हूँ। मैंने इस वाले आई पे भी कर दिया है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है फैल गया है, बट जब ये ब्लू वाला सूख जाएगा ना तो मैं उस पे जो है वाइट कर दूंगी ये वाली आई पे। इससे क्या हुआ, जो ब्लू मैंने शेडो जो दी है, आई शेडो जो लगाया है, इससे मेरी ना फिर जो आईब्रोज भी मोटी थी ना थोड़ी सी, वो भी पतली हुई हुई, मैंने उस पर कवर कर दिया, तो इससे बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। देखिए थोड़ा सा जो है इस वाली आई उस पर फैला है, इस वाली पे, बट मैं उसको वाइट से कर दूंगी पेंट, तो वो अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। वो बहुत क्यूट लग रहे हैं। मुझे नहीं पता था कभी मेरे लड्डू गोपाल जी इतने भी अच्छे लग सकते हैं। मतलब वैसे भी बहुत अच्छे लगते थे, बट आज कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहे हैं यार। ओ गॉड, नजर ना लगे। फ्रेंड्स अभी वीडियो जो है वो बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अभी एक और चीज़ बाकी है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बस थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा, मैं इनकी आईज को थोड़ा सा और अच्छा कर दूँ, और अच्छा बना दूँ। हेयर्स भी बना सकते हैं, पर मुझे वो पता थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ ना करूँ। अदरवाइज अगर आपको लगता है ठीक, तो आप हेयर्स भी पेंट कर सकते हैं, नकली हेयर्स भी लगा सकते हैं, बट क्यों मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया। वैसे मैं बना सकती थी पेंट, पर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें वैसे भी छुप जाता है, क्योंकि हम जब मुकुट पहनाते हैं तो वो छुप ही जाते हैं बाल। अब मैं पहनाऊंगी लड्डू गोपाल जी को प्यारी सी ड्रेस। ये उनकी ड्रेस है पिंक कलर की, कितनी क्यूट सी ड्रेस है, वो मैं उनको पहनाऊंगी। ये भी 0 साइज का ही है, थोड़ा सा बड़ा है कंधे की तरफ से, ठीक है चलता है, बर्थडे में तो ऐसी ड्रेस चलती है, कोई बात नहीं। वैसे भी मम्मी लोग जो हैं वो एक साइज बड़ा ही लेते हैं। ये है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस हो गई, क्यूट लग रहे हैं ना। ये देखिए, देखिए पूरा कितना ओवरलुक, पूरा कितना, मतलब ये देखिए ये इसके साथ कितना मैच कर रहा है, आई शेडो बिल्कुल है, और मतलब ओवरऑल बहुत प्यारी लग रही है इनकी लुक। अब एक और खास चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल जी का प्लेग्राउंड। ये देखिए इसमें काफ़ी सारे ट्रीज हैं, जो कि आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे ट्रीज हैं। और अब मैं लड्डू गोपाल जी को अपने प्लेग्राउंड में भेज रही हूँ खेलने के लिए। और अब मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ पे बैठ गए हैं, और ये है उनकी हॉकी स्टिक, वो यहाँ पे हॉकी खेल सकते हैं। क्यूट है ना।